हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जाने हैं बेसल जो इक्वेशन पढ़ी है, आज हम बेसल फलन पढ़ेंगे, बेसल फंक्शन पढ़ेंगे कि बेसल फंक्शन क्या होता है। इससे पहले लेकिन आपसे एक बात करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि बेसल फंक्शन तभी समझ में आएगा जब आप बेसल इक्वेशन समझेंगे। जैसे ही आप बेसल इक्वेशन समझेंगे तो आपको बेसल फंक्शन समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट में रिव्यू कर देता हूँ बेसल इक्वेशन का कि बेसल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसल फंक्शन क्या होता है। तो चलिए आइए, तो जो होती है देखिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय इज इक्वल टू जीरो। तो जो इस टाइप की जो हमारी इक्वेशन होती है ना दोस्तों, ये हमारी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये होती है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपका इसका सॉल्यूशन करके बताया है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो क्या है हमारी बेसल इक्वेशन, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हमने किस में बताया है आपको, पार्ट वन में, आप उसको जरूर देखें। तो इसका मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन होता है, एक तो इसका सॉल्यूशन होता है बाय बराबर ए जीरो एक्स की पावर एन बाय बराबर ए जीरो एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन और ब्रेकेट में वन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर एन प्लस वन एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर एन प्लस वन प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन टू की पावर फोर यहाँ पे फैक्टोरियल टू, ठीक है, और एन प्लस वन और एन प्लस टू माइनस डेट, ठीक है। तो जो ये जो हमारी इक्वेशन होती है, ये समीकरण, इस ये हमारा जो है ना, ये बेसल इक्वेशन का एक हल है। जब हम बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें आंसर में ये मिलता है, ठीक है, आंसर में हमें ये मिलता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आपको अंक आंसर में मिलता है तो इसमें देखिए, इसमें तो अब मैं आपको आगे की जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए कि प्रथम प्रकार का बेसल फंक्शन किसे कहते हैं, प्रथम प्रकार का बेसल फलन या प्रथम कोटि का बेसल फलन भी कह सकते हैं आप। तो उसमें देखिए, ए जीरो बराबर होता है वन अपॉन टू की पावर एन गामा एन प्लस वन। तो ये क्यों बताया, तो देखिए, अगर आपसे पूछे एन कोटि का प्रथम प्रकार का अवकल समीकरण, आपसे अगर ये पूछे तो आप क्या करोगे, ए जीरो बराबर क्या मानना है आपको, ए जीरो बराबर वन अपॉन टू की पावर एन गामा, इसे गामा पढ़ेंगे, ये क्या है गामा ब्रैकेट में एन प्लस वन, ये हम मान के ही चलते हैं। तो इसका मान अगर हम इसमें रख दें, यहाँ पे इस ए जीरो का मान ए जीरो पे, तो ये हो जाता है हमारा बाय बराबर, इसका मान यहाँ पे रखूँगा मैं एक्स की पावर एन, तो ये पहले से है, ठीक है, एक्स की पावर एन ये पहले से है और ये वन था तो एक्स की पावर एन का वन में मल्टीप्लाई होगा। अब अपॉन में देखिए टू की पावर एन है और यहाँ पे देखिए गामा एन प्लस वन है और ये वैसा का वैसा पूरा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर एन प्लस वन प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन टू की पावर फोर फैक्टोरियल टू एन प्लस वन एन प्लस टू माइनस डेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अब प्रथम प्रकार का बेसल फलन, इसे ही हम प्रथम प्रकार का बेसल फलन कहते हैं। और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो जो भी हमें समीकरण प्राप्त होगा उससे हम जे एन एक्स रेगोरेंस फॉर्मूले निकालते हैं। तो चलिए,
इसको अब मैं आगे और एक स्टेप और लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, इसको देखिए x की पावर n है और यहाँ पर 2n n प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने पिछली का बताया था, लेकिन अब जो आज से जो पढ़ाया है वो ये था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब y बराबर क्या है, y बराबर है x की पावर n अपॉन 2n गामा n प्लस 1। क्या है, x की पावर n अपॉन 2 की पावर n और गामा n प्लस 1, ये हमने रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए कि यहाँ से देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस सब को ध्यान से देखिए, माइनस वन की पावर यहाँ से समेशन लगा लेते हैं हम, समेशन r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी, इसको लिख रहा हूँ मैं, देखिए माइनस वन की पावर r हो गया, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ ये, इस सब को इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2r, और इसको अपॉन में देखिए, अपॉन में क्या, अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2r फैक्टोरियल r इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 ऐसे डेड डेड डेस कब तक, एन प्लस आर। तो इस, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट एन प्लस आर भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आगे हम क्या मानेंगे, ठीक। तो देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब यहाँ आगे आगे देखिए, इसको मैं आपको बता दूं कि ये इसको इस चीज़ को मैंने ऐसा कैसे लिख दिया, ये मैं आपको बताना ज़रूरी है, तभी तो आप समझ में आएगा। तो देखिए जब हम r की जगह पे जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन, और यहाँ पे r की जगह पर रखेंगे तो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, वन, तो यहाँ पे r रखेंगे जीरो तो ये सब जीरो, तो कुल मिला के ये पूरा क्या हो जाएगा, वन। तो जब हम r की जगह जीरो रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये वन होता है प्राप्त, ठीक है। अब अगर r की बराबर r की जगह मैं वन रखूँगा, यहाँ पर देखिए r की जगह वन रखा तो माइनस वन की पावर क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वन, ठीक है। r की जगह पे बन रखा तो x की पावर 2 हो गई, यहाँ पे r की जगह पे बन रखा तो 2 की पावर 2 हो गई, r की जगह बन रखा तो फैक्टोरियल r हो गया, और यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, तो हमने बताया है मेन j है, यहाँ पे r की जगह पे n है और r की जगह बन रखा तो बन। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से देखिए क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये फैक्टोरियल बन तो लिखने की ज़रूरत नहीं, एन प्लस वन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमें सेकंड टर्म प्राप्त हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी तरीके से मैं r की जगह पर 2 रख दूँ, तो देखिए r की जगह पर 2 रखूँगा तो माइनस वन की पावर 2 x की पावर 2 और इंटू 2 मतलब 4, और अपॉन में देखिए r की जगह पर 2 रख दूँ तो 2 और 2 की पावर 4 और फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर r की जगह पर 2 रखूँगा तो n प्लस 2। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो हमने बताया है कि ऐसे टर्म मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया प्लस का बन, तो x की पावर 4 अपॉन यहाँ पर 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2 n प्लस 2। तो ये हमारी कौन सी टर्म में प्राप्त हो गई, ये हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई। तो इस तरीके से हमें ये टर्म मिलती जाती हैं, ठीक है। तो देखिए x 4 प्लस में, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, समेशन में करके, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको इसमें लिख लिया। अब देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए y बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए, और एक बात याद रखिए, जब हम इसमें a जीरो का मान क्या था हमारा, वो जो हमने y की वैल्यू निकाली थी, जब हम उसमें a जीरो का मान रखते हैं तो इसको हम y की जगह हम जे एन एक्स से प्रेजेंट करने लगते हैं, किससे करने लगते हैं, जे एन एक्स से, जब हम a जीरो का मान रखते हैं तो इसे हम किससे प्रेजेंट करने लगेंगे, जे एन एक्स से, ठीक है, जब हमने a जीरो को मान रखा। तो यहाँ से अब हमारी जे एन एक्स की वैल्यू क्या मिली, देखिए x की पावर n है और 2 की पावर n, इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए ये समेशन तो ऐसा कैसा रहेगा, r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, r टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी, ये तो ऐसा कैसा रहा, अब देखिए इन्फिनिटी। अब जब x की पावर n का, यहाँ पे देखिए x की पावर n है, x की पावर n है और इंटू यहाँ पे क्या है, x की पावर 2r है, तो ये जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगी, x पावर n प्लस 2r, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x की पावर n प्लस 2r, ठीक है, इतना आया समझ, इस चीज़ को और इसको, इसको और इसको साथ में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर n है और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2r है,
तो 2 की पावर n का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2r में होगा, तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर n प्लस 2r होएगी कि नहीं होएगी, कहाँ से, ये 2 की पावर n और इस 2 का, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये क्या है अपॉन में, ये ऊपर का पार्ट, ये क्या है अपॉन में, तो अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n प्लस 2r। ठीक है, इतना आया। अब देखिए चला गया, अब क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ ये बचा, और यहाँ पे क्या बची, सिर्फ ये बची। तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब भी यहाँ पे एक नॉट है, नॉट याद रखें। अब इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को मैं कैसा लिख सकता हूँ, देखिए इसको x अपॉन टू की, इसकी भी n प्लस टू आर है, इसकी भी n प्लस टू आर है, तो इसकी पावर होल n प्लस टू आर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो इसके सबको मिटा के मैं x अपॉन टू की पावर क्या लिख दूँ, n प्लस टू आर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है, चूँकि चूँकि लिख देते हैं गामा n प्लस वन का, और गामा n प्लस वन इंटू ये क्या है r, मान लो r फैक्टोरियल r का r है, और ये क्या है n प्लस r, तो गामा n प्लस वन का, और ये किस में चल रहा है, n प्लस वन n प्लस टू डेड 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 कहाँ तक जा रहा है, n प्लस r। ठीक है, तो गामा n प्लस r इंटू गामा n n प्लस वन इंटू गामा n प्लस r होता है, तो ये क्या हो जाता है, गामा n प्लस वन n प्लस आर प्लस वन। क्लियर, तो ये आप बात याद रखें इतनी। ठीक है, ठीक है, तो इस नोट को आप याद रखें, क्योंकि आप बोलेंगे कि ये मैंने कहाँ से लिख दिया इस नोट को। तो अब देखिए ये तो क्या होगा, ये सब मिलकर, ये और ये सब मिलकर तो क्या होगा हमारे, क्या होगा हमारे गामा एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, और ये सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, ए आर बचा, ए आर यहाँ पे माइनस वन की पावर ए आर, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इस नोट को आप याद रखें, तो जे एन एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये मिल गई, ए माइनस वन की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा एन प्लस वन एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, जे एन एक्स की हमें वैल्यू मिल गई। तो देखिए अब हमें इस वैल्यू को ही हम इस वैल्यू का ही हम आगे इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारी क्या हो गई, बेसल, प्रथम प्रकार का बेसल फंक्शन हो गया ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम प्रकार का बेसल फंक्शन है, और ये हमारी जे एन एक्स की हमारी वैल्यू निकल आई। अब इस तरीके से हम ए जीरो, ये जीरो, ये क्या हो गया, प्रथम एन कोटि का प्रथम प्रकार का हो गया। अब आगे द्वितीय प्रकार का कैसे निकालते हैं, तो आप तो कहोगे ये प्रथम प्रकार का बेसल फलन हो गया, अब द्वितीय प्रकार का बेसल फलन कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए कि जो हमारा प्रथम प्रकार का बेसल फलन है वो ये है, यहाँ पे मैं लिख दूँ n कोटि का द्वितीय प्रकार का बेसल फलन, तो वो उस पे यहाँ पे हमने a जीरो बराबर j रखा। अब द्वितीय प्रकार के में हम क्या रख देते हैं, द्वितीय प्रकार के में हम रख देते हैं a जीरो बराबर वन अपॉन, जहाँ भी n है वह माइनस n रख दो। ठीक है, जहाँ भी n है वह माइनस n रख दो, तो ये अगर हम यहाँ पे रख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का बेसल फलन। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, j, j, ठीक है, अब n की जगह आप क्या हो जाएगा, माइनस, तो j माइनस एन एक्स, ठीक है, बराबर में, तो ये बराबर का चिन्ह, ये क्या है, प्रथम प्रकार एन का एन कोटि का, और ये द्वितीय प्रकार का है, द्वितीय प्रकार का एन कोटि का। ठीक है, जे माइनस एन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप एक्स की पावर एन, जो कि हमारी इसमें एक्स की पावर एन ये इसमें है, तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या होगी, माइनस एन, ये दूसरे वाले फलन में। ठीक है, और यहाँ पे टू और टू की पावर माइनस एन, और जहाँ जहाँ भी एन है वहाँ माइनस एन प्लस वन। ठीक है, और ये इस वाली में कुछ नहीं करती, ये ऐसी कैसी रहती है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर एन प्लस वन प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन टू की पावर फोर फैक्टोरियल टू एन प्लस वन एन प्लस टू और माइनस डेड डेड डेड। ठीक है, तो इतना आया आपको समझ में, तो देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इतना आया। अब देखिए जैसे कि हमने जे वाले में हमने रख के इसको शॉर्ट में कर लिया, जे एन एक्स में रख के। ठीक है,
अब इसमें भी हम उसी तरीके से हम वैल्यू रख के इसे सॉर्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, इनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको निकालना बता रहा हूँ। इससे पहले वाला बेसल इक्वेशन से आप ये वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। इस वैल्यू में फिर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ए जीरो का मान रखना है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, और हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इतना आया, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूँ। जैसे हमें जे जे एन एक्स प्राप्त हुआ, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रथम प्रकार का फलन, ठीक है, बेसल फलन। अब द्वितीय प्रकार के बेसल फलन में सिर्फ जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे मैं माइनस एन कर दूँ, जे माइनस एन एक्स। यहाँ पे भी आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने ये निकाला था, यहाँ से ये निकाला था, आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन दिमाग पचाने की जरूरत नहीं, एक वैल्यू आप याद कर लो या कुछ भी कर लो। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ मैं माइनस एन रख दूँ, तो आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस वन की पावर आर, माइनस वन की पावर आर अपॉन में क्या है, फैक्टोरियल आर, और यहाँ पर एन है तो माइनस एन रख दिया, प्लस आर प्लस वन, ठीक है, और एक्स अपॉन टू भी ऐसा कहाँ है, यहाँ एन है तो माइनस एन रख दिया और प्लस टू आर। तो ये हमारा क्या होगा, द्वितीय प्रकार का बेसल समीकरण, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेसल समीकरण निकालना सिखा दिए हैं, जिससे आप आसानी से इनको निकालना सीख सकते हैं और आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो अब मैं इनको एक शॉर्ट में लिख देता हूँ कि ये तो हो गया हमारा प्रथम प्रकार का बेसल समीकरण, ठीक है। और ये देखिए, अब अगले वीडियो में हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे, आप इनको ज़रूर देखें। देखिए मुझे पता नहीं है आप नंबर के लिए पढ़ते हैं या सीखने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ वो सीखने के हिसाब से पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर के हिसाब से नहीं पढ़ाता। हाँ, नंबर के हिसाब से पढ़ाता हूँ, नंबर वाले नंबर के हिसाब से पढ़ के जा सकते हैं और सीखने वाले सीखने के हिसाब से पढ़ के जा सकते हैं। नंबर वाले सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, सीखने वाले पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, आज ये तो प्रथम प्रकार का हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर मेरा द्वितीय प्रकार का एन कोटि का द्वितीय प्रकार का समीकरण, ठीक है, या बेसल समीकरण शॉर्ट में लिख दी। तो यहाँ जहाँ वही जे एन है वहाँ माइनस एन कर दो, और ये एक्स ऐसा कैसा रहेगा, समेशन आर टेंस टू जीरो से इन्फिनिटी भी ऐसी कैसी रहेगी, माइनस वन की पावर आर भी ऐसी कैसी रहेगी, यहाँ पे वन ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये आ जाएगा तो वन बचाएगा, ये मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक दूसरे टाइप से लिख के बता दिया। यहाँ पर एन है वहाँ माइनस एन हो जाएगा, प्लस आर प्लस वन हो जाएगा, एक्स अपॉन टू हो जाएगा, एन प्लस टू आर हो जाएगा। ये हमारा द्वितीय प्रकार का बेसल समीकरण, ठीक है। तो इन दोनों का बहुत भयंकर तरीके से यूज होने वाला है क्वेश्चन में, आगे वाले आईएमपी क्वेश्चनों में इनका बहुत यूज होने वाला है। तो आप इनको अच्छे से कर लें दोनों को, या तो आप दोनों को याद करें या आप दोनों को समझें, लेकिन मैंने अपनी पूरी हद पार कर दी है इनको समझाने में, इतने अच्छे से आपको कोचिंग में भी नहीं समझाया जाएगा। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इतने अच्छे से आपको कोचिंग में भी नहीं बताया जाएगा, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू बता दी जाएंगी। इसलिए एक रिकॉर्ड पर लें, रिकॉर्ड पर पूरा जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसा का वैसा पूरा स्टेप लिख लिया करें, और फिर उसको बाद में देखा करें, क्योंकि यहाँ पे मैं कहीं मिटा देता हूँ फिर मैं वहीं से करवाने लगता हूँ, जगह ना होने के कारण मिटाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। लेकिन आप एक रिकॉर्ड पर ज़रूर साथ में करते चलें, लिख लिया वीडियो को पोस्ट कर दी, फिर देख लिया फिर वीडियो को पोस्ट कर दी, इस तरीके से आप देखते हुए चलें, तो ठीक है। तो ये हमारे दो समीकरण मिल गए, जिसे हम प्रथम प्रकार का जे एन एक्स और द्वितीय प्रकार जे माइनस एन एक्स कहेंगे, और इनके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि प्रथम प्रकार का बेसल फलन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, कि द्वितीय प्रकार का बेसल फलन इसे कहते हैं। बातें और याद रखें, यहाँ पे हमारा क्या होगा, माइनस, हर जगह जहाँ पे भी एन है वहाँ माइनस होगा, ठीक है, इसमें प्लस और इसमें क्या रहेगा, माइनस। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बंद है।